चमक उठी 57 पे वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी बाजी रानी थी। स्वागत है आप सबका एक बार हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से, और आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। पिछले वीडियोस में आप लोगों ने पढ़ा कि कैसे क्या भूमिका रही थी, क्यों इस 1857 की जो लड़ाई थी वो क्यों जरूरी हो गई थी, किन किन कारणों से जरूरी हुई थी, क्या उसकी भूमिका थी। और आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति में किसने किसने इस क्रांति का नेतृत्व किया और कहां कहां से किया। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बहुत हमारे देश में बहुत लंबे समय तक इस 1857 की क्रांति को विद्रोह के नाम से जाना जाता रहा है, कि जो वामपंथी इतिहासकार थे उन्होंने इसको क्या किया कि पूरी तरह से विद्रोह का नाम दिया। कि जितना तो उस समय आज से 200 साल पहले अंग्रेजों ने नहीं दबाया इस क्रांति को, उतना ही उससे कहीं ज्यादा कह दीजिए कि उससे कहीं ज्यादा आज के वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास की किताबों में इस क्रांति को दबा दिया और इसको पूरी तरह से विद्रोह घोषित कर दिया। लेकिन समय बदला और सच्चाइयां सामने आने लगी, लोगों को एक नया आईना दिखने लगा लोगों को, उसी के साथ ही इसको क्रांति का नाम दिया गया लगभग सभी किताबों में। और आज के युग में हर बच्चा बच्चा जानता है कि हाँ 1857 की जो क्रांति थी वही एक मशाल लेकर के आई, उसी की जो चिंगारी थी वही मशाल बनकर जली 1947 में, जबकि 1947 में भारत देश आजाद हुआ। तो क्या थी भूमिका ये हमने पढ़ा, और अब पढ़ेंगे कि किसने किसने नेतृत्व किया। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि यह क्रांति असफल भी रही थी 1857 की। कारण क्या था कि जगह जगह पर, हालांकि इसके कई कारण थे लेकिन मुख्य कारण था कि एकजुट एक सामूहिक रूप से इस क्रांति का न हो पाना। तो आइए जानते हैं इस क्रांति के बारे में। उससे पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, ताकि इस टॉपिक में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन न रह जाए। क्योंकि देखिए, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कहानी की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर समझ में ना आए तो बहुत ही बेकार है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए। आइए जानते हैं इनके बारे में। 1857 की क्रांति। देखिए, सन 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। इस पर लेखकों ने काफ़ी कार्य किया, परंतु विद्रोह के नामकरण पर विद्वानों में किसी भी तरह का मतैक नहीं है। एक ओर जहां अंग्रेज लेखकों यथा जॉन के मैसेलियन ट्रेवेलियन, जॉन लॉरेंस, सीले एवं राइस होम्स आदि ने सैनिक विद्रोह कहा, तो दूसरी ओर कुछ इतिहासकारों ने इसे ईसाइयों के विरुद्ध धर्मयुद्ध, काली एवं सफ़ेद जातियों के बीच सत्ता का संघर्ष, पूर्वी एवं पश्चिमी सभ्यता का संघर्ष, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र, सत्ता और बर्बरता का संघर्ष एवं भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम आदि विविध नामों से अभिहित किया है इसे। वीर सावरकर ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आयोजित युद्ध कहा है। ठीक है, याद रखिएगा ये कि सावरकर ने इसे कहा था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आयोजित युद्ध है ये। महान विद्रोह नामक कृति में अशोक मेहता ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह बताया है। मार्क्स एवं एंजल्स ने भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह एवं अंग्रेजी राज के खिलाफ भारतीय जनता की क्रांति कहा है। आधुनिक इतिहासकारों में डॉक्टर R.C. मजूमदार एवं डॉक्टर S.N. सेन का विचार भी इस संबंध में उल्लेखनीय है। इतिहास में डॉक्टर R.C. मजूमदार का नाम काफ़ी ज़्यादा पढ़ने को आता है इसमें, ठीक है, तो याद रखिएगा। इनके अनुसार क्या है कि, ठीक है, इन्होंने कहा है कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 ईस्वी का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न स्वतंत्रता संग्राम ही। दूसरी तरफ डॉक्टर S.N. सेन के विचार अनुसार यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अभाव में, राष्ट्रीयता के अभाव में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता का संग्राम था। अस्तु, इतिहासकार सन 57 के विद्रोह को किसी भी नाम से अभिहित करें, इतना स्पष्ट कि यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि यहीं से एक क्रांति की शुरुआत हुई थी, यहीं से क्रांति की ज्वाला भड़की थी। सन 1857 की क्रांति को चाहे कुछ भी माना जाए, इस तथ्य से इनकार किया ही नहीं जा सकता कि भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए इस समय के क्रियाकलाप प्रेरणा स्रोत बने। ठीक है, अब देखिए, सन 57 के विद्रोह के विविध कारण क्या थे। पिछले वीडियो में हमने भूमिका पढ़ा था, है ना, अब पढ़ेंगे इसके विद्रोह के विविध कारण, क्या कारण थे कि ये विद्रोह हुआ या ये क्रांति हुई। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सन 57 के विद्रोह के विविध कारण थे।
अधिकांश देसी रियासतों के राजाओं ने भी इस विद्रोह का समर्थन किया। इन राजाओं में वे सम्मिलित हुए जिनका अस्तित्व या तो कंपनी के विलियन की नीति के कारण नष्ट हो गया था या जिनकी रियासत के लिए खतरा था, परंतु कुछ राजाओं ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। इस विद्रोह के अनेक प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कारण थे, जिनका पृथक पृथक विवेचन समीचीन होगा। सन 57 के विद्रोह के अनेक राजनीतिक कारण थे, जिसमें लॉर्ड डलहौजी 1848 की हड़प नीति, ये क्वेश्चन आता है इतिहास में, ठीक है, याद रखिएगा, हड़प नीति जो थी वो लॉर्ड डलहौजी की थी, विशेष उल्लेखनीय है। डलहौजी ने अपने 8 वर्ष के शासनकाल में अधिकांश राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अनुसार यदि कोई देशी नरेश निसंतान मर जाता तो उसकी रियासत कंपनी के अधिकार में चली जाती, देसी नरेशों को गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। इस नीति का सहारा लेकर लॉर्ड डलहौजी ने एक के बाद एक करके सतारा, नागपुर, झांसी, अवध, संबलपुर और जयपुर की रियासतें हड़प लीं। हड़प नीति से जमींदार एवं तालुकेदार भी नहीं बच सके, निसंतान होने पर उनकी भी रियासतें हड़प ली गई। कतिपय ऐसे भी राजवंश थे जिनके राज्य छीनकर कंपनी ने उन्हें पेंशन देना स्वीकार किया था। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र होता है, पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई और यह घोषणा की गई कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उसके वंशजों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे और इन्होंने ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और नेतृत्व किया था। और लाल बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद लाल किला खाली पड़ना करना पड़ेगा उनके वंश से, और इसी घोषणा से देसी नरेशों का अस्तित्व असुरक्षित दिखाई देने लगा। अब इन लोगों को पता चल गया था कि हाँ, अब हमारा अस्तित्व सुरक्षित नहीं है। अंग्रेजी शासन से वे हजारों कर्मचारी एवं सैनिक भी असंतुष्ट थे, जिन्हें नौकरी से अकारण निकाल दिया गया था, क्योंकि उन राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था जिसमें वे कार्यरत थे। इसके साथ ही गवर्नर जनरलों ने भारतीय शासकों को पंगु बनाने वाली संधियां उन पर थोपी। वेलेजली की सहायक संधि इसी प्रकार की एक संधि थी। इन संधियों के द्वारा राजाओं, नवाबों की सैन्य शक्ति को समाप्त कर दिया गया। कर्नाटक, तंजौर एवं सूरत के राजाओं को उपाधियों से वंचित कर दिया गया। सन 57 के विद्रोह के देखिए धार्मिक कारण भी थे, ठीक है। सन 1813 पे आते हैं, अब थोड़ा सा पीछे आते हैं, फ्लैशबैक में आते हैं। तो सन 1813 ईस्वी से पूर्व ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति नहीं थी, परंतु सन 1813 ईस्वी के कंपनी आदेश पत्र के द्वारा उन्हें यह अवसर मिला, अतः बड़ी संख्या में ईसाइयों का आगमन भारत में हुआ। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। भारतीयों को कई दृष्टिकोण से इनका आगमन नागवार गुजरा। ईसाई धर्म के प्रचारकों ने हिंदू और मुसलमान के धर्म की निंदा की थी। इसके साथ ही भारतीयों को ईसाई बनाने की मुहिम से चला दी गई थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी नीति, जिसने कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कर दी, वो भी इसी का हिस्सा थी। अंग्रेज भारतीयों को पद, धन और सम्मान का लालच देकर ईसाई बनाने की प्रेरणा देने लगे। सन 1856 ईस्वी में पैतृक संपत्ति कानून बना, जिसके अनुसार धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को इसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। स्कूलों, अस्पतालों व जेलों को ईसाई धर्म के प्रचार का माध्यम बनाया गया था। सन 1845 ईस्वी में एक नियम बना जिसके अनुसार कैदियों का भोजन एक ब्राह्मण व्यक्ति के द्वारा सामूहिक रूप से बनाया जाए, ध्यान दीजिएगा, सामूहिक रूप से बनाया जाना आरम्भ किया गया। ज्ञात हो कि उस समय तक प्रत्येक कैदी अपना भोजन स्वयं बनाता था। इस नियम के बनने से प्रत्येक कैदी को अपना धर्म खोने की आशंका बनी, ठीक है। अंग्रेजों ने भारतीय समाज में सुधार हेतु कतिपय कानून बनाए, यथा सती प्रथा का अंत विलियम बैंटिंग, याद रखिएगा सती प्रथा का अंत किसने किया था, विलियम बैंटिक ने किया था, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। विधवा विवाह कानून किसने बनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने, ये अच्छे कामों में गिनती होती है इन लोगों की, कि सती प्रथा का अंत कराया था विलियम बैंटिक ने और विधवा विवाह का कानून लाया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। धर्म परिवर्तन की कानूनी सुविधा आदि, इन नियमों को भारतीय आशंका की दृष्टि से देखते थे। भारतीय यह समझने लगे कि अंग्रेज भारत के धर्म एवं समाज दोनों को मिटाना चाहते हैं। लॉर्ड डलहौजी के काल में जो रेल, डाक एवं तार का प्रयोग हुआ, उसमें कट्टर भारतीयों को यहाँ की सभ्यता नष्ट करने की अंग्रेजों की चाल दिखाई थी। सामाजिक दृष्टि से उस समय अंग्रेज अपनी जाति, नस्ल व वंश को विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रकार मानते थे। भारतीयों के प्रति उनका व्यवहार अमानवीय था। प्रथम श्रेणी की रेल यात्रा भारतीयों के लिए वर्जित थी। भारतीय अंग्रेजों के साथ न तो बैठ सकते थे, न ही किसी उत्सव आदि में भाग ले सकते थे। यूरोपियन
व्यवसायियों द्वारा संचालित होटलों एवं क्लबों में भारतीयों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया था। ऐसे होटलों में के प्रवेश द्वार पर ही लिखा था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी कुत्ते एवं भारतीयों के लिए प्रवेश निषेध। अंग्रेज न्यायाधीश पक्षपातपूर्ण निर्णय देते थे। इन सब सामाजिक कारणों से भारतीय क्षुब्ध थे और सन 57 के विद्रोह के समय उन्होंने अपनी भड़ास निकाली। देखिए, सन 57 के विद्रोह के विविध कारणों में कतिपय आर्थिक कारणों का उल्लेख भी समीचीन प्रतीत होता है। भारतीय करों के कारण गरीब किसान त्राही त्राही कर रहे थे, साथ ही साथ अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण जमींदार, तालुकेदार, किसान, मध्यम वर्ग, मजदूर, उद्योगपति और व्यापारी वर्ग नष्ट प्राय हो गए। सन 1769 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक व्यापार नीति अपनाई जिसके अनुसार भारत में निर्मित सामानों जो ब्रिटेन को निर्यात किए जाते थे पर अत्यधिक कर लिया जाने लगा, जबकि कच्चे माल के निर्यात पर निर्यात यानी एक्सपोर्ट ड्यूटी, जिसको निर्यात कर को एक्सपोर्ट ड्यूटी एवं इंग्लैंड में निर्मित सामानों पर आयात कर इम्पोर्ट ड्यूटी अत्यधिक कम रखा गया। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने के कारण भारत में सस्ते वस्त्रों का आयात किया जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय बुनकरों, कामगारों आदि का रोजगार पूरी तरह से चौपट हो गया। भारत में अंग्रेजों के शासन का मूलाधार आर्थिक शोषण था। खेतों की उन्नति पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, फलस्वरूप समय समय पर अकाल पड़ने लगे। सन 1837-38 में सूखे तथा अकाल के बाद भारत में आर्थिक संकट का समय प्रारंभ हो गया। सन 1843-44 में भी दोआब क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आई, साथ ही साथ राज्य और नवाबों से पुरस्कार अथवा दान स्वरूप प्राप्त भूमि लोगों से छीन ली गई, इससे वे बेकार हो गए। इन सब कारणों से किसानों, कारीगरों, व्यापारियों एवं अन्य वर्गों में असंतोष व्याप्त हो गया। सन 57 के विद्रोह के कर्णधार सैनिक रहे, इसी कारण इसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। अतः इस विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं तत्कालीन कारण सैनिक असंतोष था। कंपनी के अधिकारी सेना में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव का व्यवहार करते थे। सेना के उच्च पदों पर केवल अंग्रेज ही नियुक्त किए जाते थे, जो भारतीय सिपाहियों को निम्न श्रेणी के समझते थे। सन 57 के विद्रोह के सैनिक के कारण इस प्रकार है। देखिए, पहला क्या है कि अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने के कारण सैनिक असंतुष्ट थे, क्योंकि बंगाल की सेना में अधिकतर अवध निवासी ही थे, अतः वे अवध पर ब्रिटिश प्रभुत्व नहीं देखना चाहते थे। सन 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने सामान्य सेना भर्ती अधिनियम बनाया था। याद रखिएगा, सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने बनाया। इसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि बंगाल की सेना में नियुक्त होने वाले नौसैनिकों को सेवा के लिए कहीं भी भेजा जा सकता है। यद्यपि इस अधिनियम का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पुराने सैनिकों पर नहीं पड़ता था, परंतु सेना में भर्ती का एक आधार पैतृक भी था, अतः उनके संबंधियों पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। अतः अपने आश्रितों के भविष्य की चिंता से सभी सैनिकों में असंतोष बढ़ा। ब्राह्मण समुद्र यात्रा धर्म एवं जाति के विरुद्ध मानते थे, अतः भारतीय यात्री समुद्र पार ही नहीं जाना चाहते थे। भारत में उस समय विदेश जाने वालों को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था, जबकि सन 1856 ईस्वी के नियम से उन्हें कहीं भी जाना पड़ सकता था। सन 1854 में ही एक कानून द्वारा सैनिकों को प्राप्त मुफ्त पत्र व्यवहार की सुविधा समाप्त कर दी गई थी, जिससे सैनिक असंतुष्ट थे। प्रथम अफगान युद्ध 1839-42 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजी सेना अफगानों से हार गई थी, अतः भारतीय सैनिक भी अंग्रेजों को हराने की आशा करने लगे। एक नई उम्मीद जैसे बन गई थी, अफगानों से प्रेरणा लेकर के भारतीयों में भी, भारतीय सैनिकों में भी एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी थी। सन 1856 में पुरानी बंदूकों को हटाकर नवीन एनफील्ड राइफल को सेना में प्रयुक्त करने का विचार बना। इस हेतु एक नए प्रकार के कारतूस को प्रयोग हेतु सैनिकों को दिया गया। इसे दांत से काटकर खोलना पड़ता था। इस धर्म विरुद्ध कृत्य ने हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही सैनिकों को भड़का दिया और यह घटना सैनिक विद्रोह का प्रमुख कारण बनी। अगर इसको देखा जाए तो मंगल पांडे ने ही इसकी शुरुआत की थी। आइए इसकी कहानी जानते हैं। तो देखिए, सन 57 के विद्रोह के तत्कालिक कारण को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर R.C. मजूमदार ने लिखा है कि कोई भी समझदार व्यक्ति यह देख सकता था कि सुरंग तैयार थी और गाड़ी भी तैयार थी, तथा कोई भी संभावना बहुत सरलता से उसमें चिंगारी लगा सकती थी। चर्बी लगे कारतूसों की कहानी ने वह चिंगारी सुलगा दी और उससे जो धमाका हुआ उसने भारत में अंग्रेजी राज्य की जड़ें हिला दी। आइए इस घटना को जानते हैं। तो देखिए, जनवरी 1857 का प्रारंभिक दिन, डमडम छावनी का एक सुनसान स्थान, एक व्यक्ति एक सैनिक से पीने का पानी मांगता है। सैनिक पानी देने से इनकार कर देता है, जो जाति का ब्राह्मण है। निम्न जाति का पानी मांगने वाला वह व्यक्ति डमडम
कारतूस फैक्ट्री में कार्यरत है। कारतूस निर्माण के बारे में उसे अच्छी जानकारी है। तब वह ब्राह्मण सैनिक से व्यंग में बोलता है, अरे तुम्हारा जाति दंभ अब शीघ्र ही भंग हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेज जिन कारतूसों को तुम्हें प्रयोग के लिए देंगे उसमें तो सुअर और गाय की चर्बी ही मिली होगी। सैनिक ने उसकी बात में सत्यता पाई। यह खबर दावनल की तरफ फैल गई। अफीम की भांति नशा छाता गया। यह सूचना शीघ्र ही बैरकपुर छावनी में भी पहुंच गई। 19वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया, परंतु बाद में वे किसी तरह शांत हो गए। बावजूद इसके 19वीं रेजिमेंट समाप्त कर दी गई। देखिए, अब 19वीं रेजिमेंट वालों ने इसे इनकार किया और लेकिन किसी तरह उनको शांत किया गया, लेकिन इसी के साथ ही क्या हो गया कि 19वीं रेजिमेंट ही समाप्त कर दी गई। कि कहते हैं ना कि हिंदी में कहावत है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसी संदर्भ में 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट के एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट मेजर की गोली मारकर हत्या कर दी और सैनिकों को अपने धर्म के रक्षार्थ ललकारा। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तथा 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी के 85 सैनिकों ने उन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। इस अपराध में उन्हें 10 वर्ष की सश्रम कैद हुई। यही नहीं, इन सैनिकों को 9 मई 1857 को सभी सैनिकों के सामने नंगा करके अपमानित किया गया। देखिए, अभी तक सश्रम कैद हुई, लेकिन इसी के साथ ही इन लोगों को 9 मई 1857 को सभी के सामने नंगा करके अपमानित किया गया। 10 मई 1857 को विद्रोह ने उग्र रूप धारण किया और इस विद्रोह ने क्या किया कि सभी बंदी सैनिकों को छुड़ाकर पैदल ही मेरठ से पैदल दिल्ली पहुंचे आधी रात को ये लोग। और मुगल शासक बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना पत्रक दिया और उनसे कहा कि आप युद्ध में हमारा साथ दे दिए। बहादुर शाह जफर उस समय जो कि बूढ़े हो चुके थे और जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन आता था, उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम तो बूढ़े हो चुके इस समय। तो उन्होंने भारतीयों ने बस इतना कहा, भारतीय सैनिकों ने, कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए और हम साथ देंगे इसमें, ठीक है। आप हमारा केवल नेतृत्व कीजिए, आप बस सेना तैयार कीजिए, सेना को अपने आदेश करिए और हम भी सेना में शामिल हो जाते हैं, टूट पड़ते हैं अंग्रेजों पर। और बहादुर शाह जफर मान गए। और इसी तरह मुगल शासक बहादुर शाह जफर के नाम से 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो गया दिल्ली से। सबसे पहले दिल्ली में क्रांति की ज्वाला भड़की थी, पहले मेरठ उसके बाद दिल्ली में। 1757 के प्लासी युद्ध से अंग्रेजी राज की स्थापना मानते हुए यह कहा जा सकता है कि 1857 का राष्ट्रीय विप्लव साम्राज्य स्थापना के शताब्दी वर्ष में शुरू हुआ। क्या ऐसा होना आकस्मिक था या पूर्व निर्धारित? कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने यद्यपि 1757 के विद्रोह को पूर्व नियोजित षड्यंत्र माना है। विद्रोह के विस्तार एवं इसके शीघ्र प्रसार से भी इतिहासकारों में ऐसी भ्रांति है, परंतु इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। 10 मई 1857 को देखिए, अब हम इतिहास पे जा रहे हैं, विद्रोह का जो इतिहास है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से प्रारंभ हुआ सैनिक विद्रोह शीघ्र ही देश के विभिन्न भागों में पहुंच गया था। विद्रोह का सर्वाधिक प्रसार उत्तर प्रदेश और उस समय जो कि समकालीन उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध में हुआ था। इस प्रांत के सभी 8 डिवीजनों में विद्रोह हुआ था। इसमें लखनऊ, कानपुर, बरेली, झांसी तथा अन्य स्थानों पर विद्रोह हुए। बिहार के पश्चिमी भाग, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, दिल्ली, रोहतक एवं हिसार में तो विद्रोह पहुंच निचले स्तर तक हो गई थी, विद्रोह की पहुंच। बिहार में पटना, दानापुर, शाहबाद, जगदीशपुर, छोटा नागपुर आदि स्थानों पर विद्रोह हुए, जिसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। इस विद्रोह का प्रसार उत्तर प्रदेश एवं बिहार के अतिरिक्त असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि में हुआ। 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और ग्वालियर रहे। यद्यपि अपवादों को छोड़कर भारतीय नरेशों ने इस विद्रोह में हाथ ही नहीं बटाया, बल्कि पंजाब, राजस्थान एवं दक्षिण के नरेशों ने अंग्रेजों का साथ दिया। अभी तक से इन लोगों ने भारतीयों का साथ नहीं दिया, अंग्रेजों का साथ दिया इन लोगों ने। अंग्रेजों को भारतीय नरेशों से विद्रोह को दबाने में काफ़ी सहायता मिली। पटियाला, ग्वालियर, हैदराबाद, जिंद आदि के शासकों ने अंग्रेजों की सहायता की। नेपाल ने भी अंग्रेजों की सहायता की और अफगानों को सेना में भर्ती करने में अंग्रेजों को असुविधा नहीं हुई। विद्रोह का कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं था, इस कारण अधिकांश लोग इसकी प्रकृति ही न जान पाए। यद्यपि विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों की संख्या अंग्रेजी सेना के 7 गुनी थी, परंतु उनके पास अत्याधुनिक हथियार नहीं थे। वे तलवारों, भालों आदि से युद्ध करते थे। अंग्रेज सैनिक नए राइफल और तोपखानों से भली भांति परिचित थे। वो एक तोप चलाते थे, इधर पूरी सेना ही खत्म हो जाती थी।
अब विद्रोह के देखिए, विद्रोह के परिणाम क्या हुए। सन 57 का विद्रोह, यद्यपि सन 57 का विद्रोह यद्यपि योग्य नेतृत्वकर्ता संगठन एवं एक सुनिश्चित कार्यक्रम सार्वभौमिकता आदि के अभाव कारण पूर्ण सफल नहीं हो सका, तद्यपि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को इसने एक नवीन दिशा प्रदान की। इसके फलस्वरूप कई सकारात्मक परिणाम सामने आए, जिससे भावी संग्राम की परिकल्पना तैयार हो सकी। यद्यपि इसके कुछ ऋणात्मक प्रभाव भी सामने आए। ठीक है, पहले इससे पहले विद्रोह के परिणाम जानने से पहले चलिए, अच्छा, इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप सबसे सशक्त सकारात्मक परिणाम यह सामने आया कि ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया तथा ब्रिटिश क्राउन यानी राजा भारत का सम्राट माना गया। परंतु इससे भारत में नियंत्रक रहने वाले संगठन में परिवर्तन आया, नीतियों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। सन 57 के राष्ट्रीय विप्लव ने ब्रिटिश शासन को बाध्य किया कि भारत के सामंती तत्वों के प्रति राजा रजवाड़े एवं जमींदारों के प्रति अपनी नीति पर पुनः विचार करें। अनुभव किया गया कि इन तत्वों को नाराज करने के स्थान पर अपना सहयोगी बनाना साम्राज्य के लिए अतिरिक्त लाभप्रद होगा। अतः देशी राज्यों को साम्राज्य में मिलाने की नीति त्याग दी गई तथा जमींदारों व जागीरदारों को भी बनाए रखने का निर्णय लिया गया। इस नीति के परिणाम ब्रिटिश साम्राज्य के अनुकृत निकले। भविष्य में भारत के सामंती तत्व पूर्णतः राजभक्त बन गए। सैन्य संगठन में परिवर्तन किया गया। यूरोपीय तथा भारतीयों में 1:2 का एक संबंधित 2 का अनुपात सुनिश्चित किया गया। उच्च वर्ग के हिंदुओं को विप्लव के लिए जिम्मेदार मानते हुए उनकी सेना में भर्ती न करने की नीति अपनाई गई। सेना का क्षेत्रीय जातीय व धर्म के आधार पर गठन करके भारतीय सैनिकों में एकता की भावना का विकास किया गया। उच्च सैनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति पूर्णतः बंद कर दी गई। तोपखाने की व्यवस्था यूरोपीय लोगों के हाथ में कर दी गई। सन 1857 के विप्लव ने समाज की प्रशासनिक नीति में भी परिवर्तन किया। बार्टल फ्रेरे तथा सर सैयद के इस विचार को गंभीरता से लिया गया कि भारतीयों और प्रशासन का अलगाव भी विद्रोह के कारणों में से एक था। इस अलगाव को दूर करने के लिए भारतीयों को बिना वास्तविक अधिकार दिए प्रशासन से जोड़ने की नीति अपनाई गई। इस नीति का परिणाम 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट था। भारत में सामाजिक प्रश्नों तथा धर्म से संबंधित प्रश्नों पर सरकार की नीति भी इस विप्लव से प्रभावित हुई। भारत में सरकारी प्रयासों से समाज सुधार करने की तथा भारतीय को ईसाई बनाने की उत्कृष्ट इच्छा ने विद्रोह को लाने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। अतः इस दिशा में किए जाने वाले प्रयासों पर अंकुश लगाया गया। ईसाई धर्म से जुड़े स्कूलों की सरकारी सहायता बंद कर दी गई तथा अपने धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों को मानने व बनाए रखने की छूट भारतीयों को मिली। और अंत में विद्रोह ने यूरोपियन व भारतीय समुदाय के मध्य अविश्वास, घृणा व शत्रुता के वातावरण को गहन किया। संघर्ष के दौर में एक दूसरे पर जो अनाचार व अत्याचार हुए उनको कोई भी समुदाय आसानी से नहीं भुला सकता था। 57 के विद्रोह में वर्गों की भूमिका देखिए, किसने कौन कौन सी भूमिका निभाई थी। तो सन 1857 के विप्लव में विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका एक समान नहीं रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि कृषक वर्ग की सहानुभूति इस राष्ट्रीय संघर्ष के साथ थी तथा अनेक क्षेत्रों में अपनी भागीदारी के द्वारा उन्होंने इससे एक व्यापक सामाजिक आधार प्रदान किया था। किंतु यह भागीदारी इस सीमा तक नहीं थी कि संघर्ष को कृषक संघर्ष की संज्ञा दी जा सके। राजा रजवाड़ों व जमींदारों से बने सामंत वर्ग की भूमिका का चरित्र दोहरा था। इस वर्ग का एक हिस्सा जो अंग्रेजों की नीतियों से बर्बाद हो गया था या निकट भविष्य में बर्बाद होने वाला था, विप्लव का सक्रिय भागीदार ही नहीं रहा अपितु उसने इसे नेतृत्व भी प्रदान किया। दूसरी ओर यह भी तथ्य कि अगर हैदराबाद, ग्वालियर, नेपाल व पंजाब के सामंती तत्वों ने साम्राज्यवाद का साथ नहीं दिया होता तो स्थिति ब्रिटिश राज्य के लिए अधिक संकटमय तथा नाजुक हो जाती। नवोदित शिक्षित मध्यम वर्ग न केवल क्रांति में भागीदारी करने से अलग रहा अपितु वह इसका मुखर आलोचक था। उसकी दृष्टि में विद्रोह पुरानी राजशाही व्यवस्थाओं और अराजकता की बहाली का प्रयास था और इस प्रयास की सफलता की कामना पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति से अभिभूत यह वर्ग नहीं करता था। साहूकार, महाजन तथा व्यापारी वर्ग ने कभी भी दिल से क्रांति का साथ नहीं दिया। उन्होंने धन और सामग्री के रूप में जो भी सहायता प्रदान की वह परिस्थितियों से विवश होकर की। अतः यह वर्ग भी क्रांति के समर्थक या सहयोगी वर्ग के रूप में नहीं लिखा लिया जा सकता है। सन 57 के विद्रोह का गहन अध्ययन मार्क्सवादी विद्वानों ने किया। इनके अध्ययन के नेपथ्य में कारण यह रहा कि वे इस विद्रोह में भारतीय समाज के भिन्न भिन्न वर्गों की भूमिका का अवलोकन कर सके। तलमीज खल्दून के मतानुसार सन 57 का विद्रोह किसानों का विदेशी ठीक है सन 57 का विद्रोह
भारतीय किसानों का विदेशी और सामंतशाही बंदरों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक तीव्र प्रयत्न था। ये विद्वान एक विद्रोह न्यायालय या जिसको कहते हैं म्यूटिनी कोर्ट का उल्लेख करते हैं, जो जुलाई 1857 में बनाई गई। नोट करिएगा, म्यूटिनी कोर्ट विद्रोह न्यायालय 1857 में बनाई गई। इस विद्रोह न्यायालय का प्रधान जनरल वक्त खां साहिब आलम बहादुर था। उच्च वर्ग के लोग इस क्रांति की विजय की अपेक्षा उसकी हार से अधिक भयभीत हो गए, जिसके परिणामस्वरूप सामंतवादी एवं धनी वर्ग ने जनता के हितों के प्रति विश्वासघात किया। जमींदारी, व्यापारी, साहूकार, शिक्षित, मध्यमवर्गीय लोग एवं भारतीय पदाधिकारियों सभी ने अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति अथवा उदासीनता पूर्ण तटस्थता प्रकट की। इसी कारण कुछ विद्वान इस सामंतवादी तटस्थता को क्रांति की असफलता के एक महत्वपूर्ण कारण बतलाते हैं। ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव रियासतों के राजाओं, सैनिकों, जमींदारों, कृषक, उच्च वर्ग के कृषक, व्यापारियों को छोड़ समाज के सभी वर्गों पर पड़ा। इसी कारण प्रभावित सभी सामाजिक वर्गों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोह में अपनी भूमिका निभाई। 1857 के तथाकथित विद्रोह को किस नाम से अभिहित किया जाए, यह विवाद का विषय है। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में क्रांति को राजनीतिक व राष्ट्रीय दोनों स्वीकार किया है, क्योंकि इसके माध्यम से हिंदू और मुसलमान दोनों ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए सामूहिक सशस्त्र प्रयास किया। परंतु सत्य तो यह है कि जैसा डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने स्वीकार किया है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।